अगर आपको किताबें पढ़ना नहीं पसंद, लिखना नहीं पसंद, और अगर आप बारिश में भीगते नहीं हैं, अगर आप पुरानी गज़लें नहीं सुनते, अगर आप चौदहवीं रात के मुकम्मल चांद के दीवाने नहीं, अगर आपको सर्दियों की लंबी रातों और गर्मियों की तवील दोपहरों में नावल पढ़ना वक्त का ज़िया लगता है, अगर आप शाम भले बेख्तियार दुआ नहीं मांगते, अगर आप कोई मिसरा ज़ेर लब नहीं गुनगुनाते, अगर आप खुल कर नहीं हंसते, अगर आपको जर्द फूलों से उल्फत नहीं, अगर आपके दिल को तितलियाँ नहीं भाती, अगर आप शेर व शायरी नहीं पढ़ते, अगर आपको कोयल का कूकना पसंद नहीं, अगर आपको गीली रेत पे नंगे पांव चलना पसंद नहीं, अगर सहरा आपको अपनी तरफ नहीं खींचता, तो हम मिल तो सकते हैं लेकिन अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। अगर आप उर्दू अदब नहीं पढ़ते, अगर आप बांसुरी और रेल की सीटी नहीं सुनते, अगर आपको रेलवे स्टेशन पे बोरियत होती है, अगर आपको अजायब घर देखने का शौक नहीं है, अगर आपको खाने से इश्क नहीं है, अगर आपको खत लिखना पसंद नहीं, अगर आपको पुतली तमाशा देखना वक्त का ज़िया लगता है, अगर आपको सख्त सर्दी में ठंडी हवा पसंद नहीं, अगर आपको खिजां का मौसम पसंद नहीं, अगर आपको सीज़न देखने में दिलचस्पी नहीं, अगर आप बिला वजह उदास नहीं होते, अगर आपको खुशी में रोना नहीं आता, तो मैं और आप कभी दोस्त नहीं बन सकते। अगर आप कोल्ड कॉफ़ी चॉकलेट फ्लेवर पी नहीं सकते, अगर आपको आइसक्रीम धुंध भरी रात में खाना उलझन में डाल सकता है, अगर आपको चाय पीना जहर लगता है, तो मैं और आप एक घंटा भी बात नहीं कर सकते। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है और लिखना भी, बारिश में भीगना भी पसंद है, और सर्दियों की लंबी रातों और गर्मियों की लंबी दोपहर में नावल पढ़ने का अपना ही एक मज़ा है। पुरानी गज़लें चौदहवीं की रात में छत पर बैठकर सुनना हाय क्या क़यामत है, सुबह शादी के वक्त और शाम ढले दुआएं करना, गीली घास पर चलना, और सहरा के तपते दिन और ठंडी रातें एक अलग ही सहर रखती हैं। रेलवे स्टेशन का हल्का शोर एक खामोशी सी महसूस होता है, अजायब घर का कदीम सन्नाटा रूह में उतरता हुआ महसूस होता है। शेर व शायरी पढ़ना और शेर लब मिसरे गुनगुनाना हमारे हिस्से में आया है, और उर्दू अदब को घोल कर पीना भी हमारे मुकद्दर में आया है। शायद खाने से इश्क तो इंसान के खमीर में है, इससे कौन मुंह फेर सकता है भला। तक सर्दी में ठंडी हवाओं में कोल्ड कॉफ़ी का मग हाथ में लिए टहलना, फिजा में पत्तों की सरसराहट और चिरचिराहट को महसूस करना, और रातों में कमरे में हेडफोन लगा कर सीजन देखना, और फिर बीच शब में आइसक्रीम खाना मुझे पसंद है। किसी पहाड़ की चोटी पर लकड़ी से बना छोटा सा घर, चाय का कप हाथ में खाने, खिड़की से बरसती बारिश देखना, बूढ़े दराज कामत सरसब दरख्त कदीम हवेलियाँ, उफक पर रोशनी बखेरता सूरज, ढलती वीरान शाम वीरान जज़ीरे, फिजा के मौसम में किसी अनजान पगडंडी पर बिखरे जर्द पत्ते और जानलेवा खामोशी। जिंदगी तूने क्या क्या रंग दिखा दिए, रोशनी तूने आंखों में दिए जला दिए।